हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस स्प्रेड में हम देखेंगे मकर राशि वाले लोगों की आने वाले फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न पीपल आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आई हैं। थोड़ी सी ध्यान पूर्वक देखने के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि इस रीडिंग की साम्यता आपके पिछले साल की रीडिंग से काफी हद तक एक जैसी रीडिंग आई है, इसलिए थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ इस बारे में। और लास्ट ईयर आपकी जो रीडिंग आई थी उसमें जो 2021 हॉरोस्कोप मैंने जो निकाला था उसमें भी डेथ कार्ड आया था। आपकी जो मैंने लव लाइफ की जो एनर्जी देखी थी चेक करी, उसमें भी हमारे पास में डेथ कार्ड आया था, और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड और स्टार कार्ड वहाँ पर भी देखने को मिला था, और टाइमिंग का कार्ड वहाँ पर भी देखने को मिला था। तो ये जो रीडिंग है काफ़ी हद तक आपकी लास्ट ईयर की 2021 का जो हॉरोस्कोप हमने देखा था उससे मिलता जुलता है, और आपका जो लव रीडिंग हमने देखी थी उससे मिलती जुलती है। बट उसमें और रीडिंग में क्या डिफरेंस है वो देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वहां पर जो आपका कार्ड आया था डेथ कार्ड, जैसे आपको पता है कि डेथ माने ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन मे बी लास्ट ईयर आप लोग किसी बहुत हैवी चैलेंज से गुजरे हों, चैलेंजिंग टाइम से गुजरे हों, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हों, और आपकी लाइफ में कोई बहुत बिग चेंज आपकी लाइफ में आया हो रिगार्डिंग योर हार्ट मैटर। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत अधिक प्यार करते हों, बहुत अटैच हों, उस व्यक्ति के साथ आपका सेपरेशन हुआ हो, उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ हो, और आप काफ़ी अपने आप को संभलने में आपको काफ़ी समय लगा हो, ऐसा यहाँ पर मुझे एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे एक ऐसी समझ में आ रही है। बिकॉज लिटरली ये मेरे साथ हुआ था जब मेरे पास में, बिकॉज आई एम ऑल्सो कैप्रिकॉन, जब डेथ कार्ड आया था उसके कुछ ही समय के बाद में आई लॉस्ट माई फादर, और पिछले पूरे साल आई वॉज इन पेन। मेरा हेल्थ प्रॉब्लम रही, और मैं अपने फादर के वजह से मैं पूरे साल में एक हार्ट ब्रेक स्थिति से मैं लड़ रही थी, गुजर रही थी। बहुत अभी तक भी इस पेन से मुझे बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दोनों ही चीज़ें हैं, हेल्थ प्रॉब्लम एंड हार्ट ब्रेक, ये दोनों ही चीज़ों का सामना, ये दोनों ही कार्ड उस समय पर आए थे, और ये दोनों ही एनर्जीज मैंने पूरे साल मैंने फेस की थी। लेकिन तब अभी जैसे मैं शफल कर रही थी तब फर्स्ट अगेन डेथ कार्ड आया, एंड आई वॉज वेरी मच शेट, मैं एकदम से शॉक हो गई थी कि अब ये फिर से डेथ कार्ड क्यों आया है। उसके साथ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया, मैंने फिर से शफलिंग किया, मैंने सोचा कि नहीं मुझे ये स्प्रेड तो नहीं रीड करना है, मैं इसको फिर से देखती हूँ। मैं दोबारा स्प्रेड को शफल किया, आप शफलिंग में देखना, अगेन दैट डेथ कार्ड आया। और उसके बाद में लेकिन जब मैंने उस कार्ड का जो फर्स्ट कार्ड देखा था वो सूर्य यानी कि सन कार्ड आया, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर रीडिंग। उस रीडिंग से ये रीडिंग काफ़ी हद तक डिफरेंट है, क्योंकि डेथ के साथ सूर्य आया, और वैसे भी डेथ कार्ड जो आया था हमारा ओरिजिनली मेरे पास में जो फर्स्ट शफलिंग में जो डेथ कार्ड आया था वो रिवर्स में आया था, कमिंग आउट ऑफ डेथ लाइक पेन एंड। और ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया हमारे पास ये भी रिवर्स में आया है। तो प्रीवियस लास्ट ईयर के या लास्ट पास्ट के, आपके जो रिसेंट पास्ट था उसमें से जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ या जो भी आपको पेन लाइक सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी, उससे बाहर आने की आपको समय आ चुका है, क्योंकि मेरे पास समय का कार्ड है, टिकटॉक कार्ड है यहाँ पर। तो आपके हार्ट ब्रेक से, आपके पेन से, आपके सौरों से आपको बाहर आने का समय आ चुका है, नए सूरज उगने का समय आ चुका है, नया उजाला हो चुका है, नया सवेरा आ चुका है, और क्वाइट पॉसिबली आप बहुत लंबे समय तक, डेथ का मतलब ये भी है कि आप इनएक्टिव रहे हो, काम ना कर सके हो, या ना कर पाए हो, या ना करा हो, आपने ब्रेक ले लिया हो आपने काम में, मेरी तरह से आपने काफ़ी इररेगुलर रहे हो आप अपने वर्क में, या फिर बहुत अधिक समय तक आपने रेस्ट में बिताया हो, या अपने आप को रिलैक्स करने में बिताया हो। तो इस समय पर आपकी जो एनर्जीज वो आई हैं वो कह रही है कि अब वो गाना है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो उस तरह का आपके लिए मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं,
जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी आपकी लाइफ में बदल गया, उसको अब वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस बात को लेकर और अधिक दुखी और परेशान होने की बजाय जाग जाइए, उठ जाइए, नया सवेरा आ चुका है, ईश्वर का आपको एक नए दिन के रूप में वरदान मिल चुका है, एक्टिव हो जाइए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी फिजिक पर ध्यान दीजिए, अपने मेंटल वेलबींग पर ध्यान दीजिए और समय का सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए और अधिक समय को व्यर्थ मत कीजिए। ऐसा आपके लिए मुझे यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है और क्योंकि कार्ड जैसे आए हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में यही करने वाले हैं। अधिक समय को बर्बाद ना करते हुए यू विल बी अवेक, आप जाग जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे और आप नए चैलेंजेस, नए दिन के साथ जो भी नए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उसका डट कर खड़े होकर स्ट्रेंथ के साथ, हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी है, आप स्ट्रांगनेस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ मुकाबला करने के लिए, जिंदगी के रण में आगे बढ़ने के लिए, बहादुरी से चीज़ों को फेस करने के लिए आप एक बार फिर से उत्थिष्ट जागृत, उस तरह की आपकी एनर्जी भी आ चुकी है, उठ गए हैं, जाग गए हैं, नहीं जागे हैं तो आप जाग जाने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी हमको आपके लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में हो सकते हैं, कुछ इस एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे होंगे लाइक मी, पुराने हार्ट ब्रेक से निकल कर फिर से एक नई साइकिल अपनी लाइफ में, पॉजिटिव साइकिल शुरू करने की कोशिश मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में मैंने पूछा था कि इस एनर्जी से इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे आएगा समय, टिकटॉक कार्ड हमारे पास, तो ईश्वर का कहना है कि समय एक बहुत बड़ा मरहम है, समय अपने आप से चीज़ों को आपके लिए बदलेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह का भी कार्ड है कि जब जिस समय जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है और जब समय का बदलाव आना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें उसी हिसाब से बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को सिर्फ समय देना है, आपको अपने आप को हील होने का समय देना है, आपको खुद को थोड़ा सा अगर आप समय देंगे, जो कि मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जैसे ही आपका समय बदलेगा, जैसे ही समय आएगा और जैसे ही आप एक सर्टन फेज ऑफ हार्ट ब्रेक में रहकर गुजर जाएंगे, क्योंकि जिसको मॉर्निंग पीरियड बोलते हैं, जिसको दुखी रहने का पीरियड बोलते हैं, जब वो पीरियड गुजर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक नया उत्साह जागृत हो जाएगा और आप फिर से लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इस समय में या पास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हो या बहुत लंबे समय तक आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर रहे हों कि लोगों से कट ऑफ हो गए या सिर्फ अपने अंदर रहे, इंट्रोवर्ट रहे, बहुत अधिक लोगों से कनेक्टेड नहीं रहे, सेल्फ पर वर्क करते रहे, तो अब आपके लिए समय आ चुका है कि जो आपने पाया है उसको यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए दुनिया में आ जाइए, जाग जाइए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच रहे हो कि बहुत लंबा समय हमारा ख़राब हो गया, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपके लिए भी यहाँ पर ये मैसेज है कि नो वेस्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपने कुछ वर्क नहीं किया तो हो सकता है कि आपने अपना हीलिंग वर्क किया हो, आपने रेस्ट किया या आपने रिलैक्स हुए तो, या फिर आपने कंटेम्पलेट किया, तो वो भी अपने आप में एक उपयोगी काम है, वो भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने ब्रेक लिया है और ब्रेक लेने के बाद में अगर आप फिर से अपनी लाइफ में काम में एक्टिव होने की सोच रहे हैं तो ये सही वक्त है। प्लानिंग बनाइए खुद पर वर्क करने के बाद में, अब आप मतलब मेंटल वर्क करने के बाद में अब आप फिजिकल वर्क करने पर, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो वर्क करने पर अब आ जाइए, क्योंकि समय आपका आ चुका है। डेथ से सन की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर आपके जाने का समय अब आ चुका है, ऐसा आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और फिर हमारे पास में और बहुत अच्छे कार्ड्स है आपके लिए, यहाँ पर मैसेज इन ए बॉटल, जैसा कि मैंने आपको, यहाँ पर हायर पावर है, आपको हायर पावर की ओर से आपके गाइड हो सकते हैं या आपके गुरु हो सकते हैं, या जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलती है वहाँ से आपको गाइडेंस मिल गई होगी या मिल जाएगी कि अब आप समय का कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए और समय को बर्बाद मत कीजिए और जो कुछ भी इस लाइफ में आप काम करने के लिए आए हैं वो काम करने पर आप जुट जाइए, ठीक है। यहाँ पर भी घड़ी बनी हुई है तो ईश्वर आपको घड़ी के द्वारा अलग अलग तरह से संकेत भेजते हैं, हायर पावर जो होती है आपको कोई मैसेज के थ्रू, कहीं गाने के थ्रू, किसी साइन के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू आपको मैसेज मिल जाएगा या मिल गया होगा कि समय आ चुका है कि आप अब और समय बर्बाद ना करें, अपने आप को अनलॉक करें, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अनलॉक करें और उस नॉलेज का उपयोग आप लाना और जीवन में उतारना आप शुरू करें, ऐसा आपके लिए यहाँ पर मैसेज है।
और जैसा कि मैंने यहाँ पूछा है कि आपका इस सारे का आउटकम क्या रहेगा जब आप समय देंगे और समय की मांग को पहचानेंगे, मैसेज को समझेंगे, डिवाइन के मैसेज को समझेंगे और एक्टिव हो जाएंगे, तब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आउटकम क्या होगा, थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, हार्ट ब्रेक से, पेन से, कुछ भी नहीं करने से, दुख से बाहर आएंगे आप, आपकी हेल्थ ठीक होगी, पहले की तुलना में अब आपकी हेल्थ ज़्यादा ठीक होगी। क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड आया हमारे पास, आप फिर से अपना लाइफ का चार्ज लेंगे, जो भी आपका लाइफ में गोल्स हैं उनको अचीव करने की दिशा में आप जाएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक अच्छी टीम के साथ में आप जुड़ेंगे, जिन लोगों के साथ आप कट ऑफ हो गए थे उनके साथ आप एक बार फिर से जुड़ेंगे, एक बार फिर से काम करना शुरू करेंगे। एंड द स्टार कार्ड, यू विल बी द स्टार अगेन, आपकी जो खोई हुई उम्मीदें थी वो आपको वापस मिलेंगी और आपकी किस्मत जो कहीं सो गई थी जाकर वो फिर से चमक उठेगी और इस तरीके से आप फिर से एक फुल फ्लैश जो भी आपकी लाइफ है उस लाइफ को आप फिर से एक बार अचीव कर लेंगे, ऐसा मुझे आपके लिए अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब और परेशान मत होइए और टेंशन में मत रहिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल लीजिए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, मेहनत कीजिए क्योंकि मेहनत का भी कार्ड है, वर्क का भी कार्ड है और डेडिकेशन का भी कार्ड है। डेडिकेटेडली काम पर लग जाइए तो आपके जो बुरा समय था वो बहुत ही जल्दी जाने वाला है और आप एक स्टार की तरह अपनी लाइफ में चमकने वाले हैं, ऐसा मुझे आपके लिए समझ में आ रहा है। और आपके लिए जो मैंने क्रिस्टल कार्ड निकाले थे, सोलमेट पिंक फ्लेम कार्ड है, इसमें आप देखेंगे पिंक क्रिस्टल बना हुआ है, यहाँ पर दो क्रिस्टल्स बने हुए हैं। मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग पिंक फ्लेम्स होंगे और ट्विन फ्लेम सेपरेशन अब एंड हो सकता है, आपके लिए यूनियन हो सकती है, आप अपने ट्विन से मिल सकते हैं। अगर आपकी 3D में यूनियन नहीं हो सकती तो आपकी 5D में यूनियन आपकी हो सकती है, यानी कि आप इतना स्पिरिचुअली एनलाइटन हो जाएं कि आपको सेपरेशन फील ही ना हो, दैट इज़ 5D यूनियन। और या फिर आप किसी बहुत अच्छे सोलमेट के साथ मिल सकते हैं, आप एक बहुत अच्छी टीम, अच्छे सोलमेट के साथ मिलकर एक हाई एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ऐसा आपके लिए यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। और फिर आपके लिए एमेथिस्ट कार्ड भी यहाँ पर आया है, अपना स्पिरिचुअल हाइट अटेंड करने के लिए, अपने माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए आप एमेथिस्ट पहनिए और आप क्लियर क्वार्ट्ज अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में और आपको बहुत ज़्यादा शांत होंगे, संतुलित होंगे, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, इम्यूनिटी आपकी ठीक रहेगी और प्रसन्न चित्त आप रहेंगे और आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और साथ ही आपका माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी। जब आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी बनेगी और आपकी माइंड में क्लैरिटी होगी तो आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बहुत जल्दी अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। देखिए मैंने जैसे ही कार्ड्स आए और मैंने तुरंत से अपने लिए क्लियर क्वार्ट्ज का ये ब्रेसलेट मैंने पहन लिया है क्योंकि मुझे गाइडेंस मिली है यहाँ से कि अब मुझे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, फोकस के साथ आगे बढ़ना है, फ्यूचर के लिए प्लान बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग करना शुरू कीजिए, रिटर्न में प्लानिंग करना शुरू कीजिए, अपना गोल्स बनाइए और उन गोल्स को अचीव कीजिए। जो होना था वो हो चुका है, जो खोया जाना था वो जा चुका है, जो वापस नहीं आ सकता उस पर रोने की बजाय, उस पर मॉर्निंग की बजाय अब आप अपने आप को फिर से रिकलेक्ट कीजिए, अपने अंदर उत्साह को जगाइए, अपनी अंदर की जो एंथुजियाज्म है, आपके अंदर का जो उत्साह है उसको फिर से एक बार जगाइए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और बिना समय गंवाए अब आप अपने हायर पर्पस की और अपने हायर जो भी आपका पर्पस है लाइफ का उसकी ओर जाएंगे। तो सूरज आपके लिए निकल चुका है, सन आपके लिए बाहर आ चुका है और बहुत ही जल्दी या तो इस मैसेज के द्वारा या फिर किसी और मैसेज के द्वारा या किसी और संदेश के द्वारा डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको आगे लाइफ में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये समय है रीजनरेशन का, न्यू बर्थ का, रीबर्थ का और एक नई शुरुआत का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ये है माइंडफुल जर्नी का वुमेन एम्पावरमेंट 10 डेज वर्कशॉप। अगर आप एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जीता जाए, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वर्क प्रेशर को हैंडल किया जाए और हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस और हेल्थ इश्यूज से कैसे निपटा जाए।
तो इस वर्कशॉप में होंगे वीडियो लेक्चर्स, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, इंटरैक्टिव टॉक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी फन एक्टिविटीज और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी। तो ज्यादा देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अगर आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट माइंडसेट चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं तो 10 दिन की इस वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को जो कि अप्रैल में होने वाली है ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही। चले पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चले पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारे, आशाओं के आसमान में चमके बनके सितारे।